आप देखें कि माज एक मरतबा बहुत खतरनाक अंदाज के साथ पहले ही मिनट के अंदर वो डेंजर जोन में दाखिल हो चुके, गोल करने का एक मौका, लेकिन इस मरतबा वो उसको वेन ला कर सके, एक बार स्कोर करने में कामयाब, लेकिन अनवर खान ने फौरन ही जज किया और ऑफ साइड करार दिया है। जबरदस्त उन्होंने जज करके ये फैसला किया कि वो ऑफ साइड है और यही हुआ। आप देखें साकिब ने लॉन्ग किक लगाई निसार तक पाल पहुंचाने की कोशिश, निसार ने बॉल छीन लिया है, निसार 9 नंबर की जर्सी में है, आगे बढ़ रहे हैं खतरनाक अंदाज के साथ, बहुत ही बेहतरीन बॉल दिया है, यहां पर मौका है अशरफ के पास गोल करने का, लेकिन उमर काफ़ी आगे आए और उन्होंने सेव किया है, लेकिन अभी बॉल उनके पास ही है, मौका है एक बार फिर गोल करने का, लेकिन इस बार डिफेंडर बहुत ही शानदार सेव करने में कामयाब हुए। गोल स्कोर करना है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी टीम गोल स्कोर करती है तो उनकी बर्तरी वाहिजे रहेगी इस मैच के अंदर। निसार के पास बॉल, निसार ने अशरफ को, अशरफ ने किक लगाई और अच्छी किक और इस मरतबा गोल, अशरफ की शानदार किक, और ये देखें अशरफ ने गोल स्कोर किया है, जबरदस्त गोल, और अशरफ के इस गोल के बदौलत पोपो एफसी की टीम ने एक गोल की बर्तरी हासिल की। जबरदस्त गोल अशरफ की जानिब से, जबरदस्त उन्होंने, निसार ने उनको बॉल दिया और उन्होंने कोई गलती नहीं की इस बार, उमर को उन्होंने बीट करके एक गोल की बर्तरी हासिल की है पोपो एफसी की टीम ने, एक जबरदस्त गोल। और जिस तरह मैं कह रहा था आजम के, ये एक गोल की जो बर्तरी है ये कारामत साबित हो सकता है किसी भी टीम के लिए, और यही हुआ है। पोपो एफसी के प्लेयर खतरा साबित हो सकता है और यहाँ पे सही किक ना कर सके, और पोपो एफसी के डिफेंडर भी मौजूद थे, तो उन्होंने आतिफ को जो है उनको सही तरह शूट मारने नहीं दिया, तो यहाँ पे कॉर्नर किक मिली है। इस तरह स्ट्राइकर्स को, स्ट्राइकर्स के कोशिश के किसी भी तरह इस खसारे को कम किया जा सके। ज़बरदस्त क्लियरेंस, ज़बरदस्त क्लियरेंस यहाँ पे पोपो एफसी के प्लेयर्स की जानिब से, बाल को निसार, निसार ने पास दिया यहाँ पे अपने प्लेयर को, बिल्कुल अकेले जा रहे हैं, तीन डिफेंडर पीछे हैं उसके, डी के अंदर दाखिल हो गए हैं और मिस कर दिया यहाँ पे। एक अच्छा चांस था पोपो एफसी के पास, निसार ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त चांस क्रिएट किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन उससे फ़ायदा न उठा सके, इनके जो स्ट्राइकर्स हैं वो 1-on-1 थे बिल्कुल कीपर के साथ। पासिंग बनाते हुए यहाँ पे हारून के पास बॉल, हारून से समद ने बॉल छीन लिया है, यंग समद, जबरदस्त मौका 3 नंबर के प्लेयर के पास, लेकिन एक मरतबा फिर चांस जाया कर दिया है यहाँ पे पोपो एफसी ने। एक अच्छा मौका था यहाँ पे लीड डबल करने का, ये क्रूशल मोमेंट है इमरान साहब, ये इस तरह के मैचों में इस तरह के चांसेस ज़ाया नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से। ये इस गोल को उतारते उतारते काफ़ी उन्होंने मौके भी ज़ाया किए, इस बार मौका है अबूजर के पास, आगे गए लेकिन इस बार बहुत ही उम्दगी के साथ आगे बढ़े हैं साकिब, उन्होंने सेव किया बेहतरीन यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर निसार, निसार डी के अंदर डेंजर जोन में दाखिल हुए, क्रॉस द बॉल देंगे, मौका है खाम के पास और ये गोल, शानदार गोल, बहुत ही शानदार ये गोल, और ये आप देखें कि फहाम ने गोल स्कोर करके ये बर्तरी डबल कर दी, और अब यकीनी तौर पर कि पोजीशन वाजे हो चुकी है, ये इस दो गोल की बर्तरी को उतारना तो बहुत मुश्किल लगता है, और अब फहाम ने आके ही गोल स्कोर करके ये डबल कर दिया ये बर्तरी 2-0, अब मुकाबला है। अरे आप देखें कि पोपो एफसी की टीम जिन्होंने बहुत ही शानदार खेल पेश किया है, इस टीम ने बहुत कुछ कर दिखाया है अब तक इस लीग के अंदर, बहुत से नौजवान प्लेयरों को उन्होंने मौका दिया है और अभी तक उनके नौजवान प्लेयर्स कामयाब है, और इसी तरह विसल बजाते हुए इस मैच में फतह हासिल की है पोपो एफसी की टीम ने, 2 गोल के साथ एक शानदार फतह, जिन्होंने बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा पेश किया और क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल मैच के लिए। पोपो एफसी की टीम ने आखिरकार क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए, और यही उम्मीद की जा रही थी कि पोपो एफसी की जो टीम है वो निहायत ही स्ट्रॉन्ग टीम, एक बेहतरीन टीम, नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल।